स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा, उससे हम लोगों को टेंजेंट बनाना है। तो सर्कल के ऊपर सपोज ये मेरा एक सर्कल है विद रेडियस, तो हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.3, 4.5 ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसको करने के बाद वहां पे दिया जाएगा कोई एक पॉइंट सर्कल के ऊपर और उसका एक टेंजेंट बनाना। सपोज यहाँ पे एक टाइम पॉइंट है हम लोग का, ये पॉइंट है P और हम लोग का जो सर्कल का सेंटर है वो O। P से हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना है। अब P से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग करेंगे इस P और O को स्ट्रेट पॉइंट और इसको एक्सटेंड कर देंगे हम लोग। तो एक लाइन बनाएंगे O और P को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। तो हम लोगों का लाइन हो गया O और P को ज्वाइन करने वाला। अब हमको ड्रॉ करना है क्या, P से पास होने वाला टेंजेंट, ठीक है। अभी टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P से पास होने वाला एक टेंजेंट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, ठीक है, ये जो P पॉइंट है इस P पॉइंट से हमको R देना है दोनों साइड, जो भी R रहेगा सेम। इस तरह से हमने R दे दिया, ये जो भी R आएगा, ठीक है, इस R से एक्सटेंड करके हम लोग ऊपर एक R देंगे और एक नीचे R देंगे, ठीक है। वैसे इस तरह से सेम R, सेम मेजर हमने R दे दिया, तो और ये दो R आ गए हमारे पास। अब ये दो आर को हम लोग को क्या करना है, ज्वाइन कर देना, ठीक है। देखो ये दोनों भी आर हम लोग का एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, यस आर है स्ट्रेट लाइन में, देखो ये हो गया हम लोग का टेंजेंट, ठीक है। दिस इज हाउ वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उससे हम लोग ने एक टेंजेंट ड्रॉ किया होगा, ठीक है। तो सबको क्या करना है, सर्कल बनाना है। सबका एक होमवर्क होगा, होमवर्क, ठीक है। सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा एक होमवर्क है रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओके। और इन तीनों पे कहीं पे भी एक पॉइंट पी लेना और इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करना, सबका ये होमवर्क होगा, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल विद यूजिंग सेंटर, सेंटर का हमने यूज किया। अब हमको देखना है विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। हमको ड्रॉ करना है टेंजेंट विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो कैसे होगा, हमारे पास एक सर्कल है कोई भी एक रेडियस का, मान लीजिए कि ये है 3.3 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है किसी एक पॉइंट से, मान लो कि एक पॉइंट है मेरे पास पी, इस P से मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग सेंटर। विदाउट यूजिंग सेंटर का मतलब हमको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। इसके पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे पॉइंट P था उसको हम लोग ने ड्रॉ किया था एक लाइन, रेडियस ड्रॉ किया था, बट यहाँ पे हमको क्या करना है, रेडियस ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है विदाउट यूजिंग सेंटर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस P पॉइंट को लेते हुए एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ P पॉइंट को लेते हुए, ठीक है। हमारा P पॉइंट है, ये एक बन जाएगा हमारा ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा बन गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल करने के बाद हमको क्या करना है, ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करेंगे हमारा राउंडर, ठीक है। ये राउंडर को हम लोग क्या करेंगे, सपोज ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है उसका नाम मैं देता हूँ A, दूसरा एक पॉइंट है सपोज B, ठीक है। हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, A, B, P, Q, R, कुछ भी, ठीक है, ये पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। अब A से हमको क्या करना है, R देना है, ये A है, यहाँ से एक R, कोई भी एक रैंडम R दे दो दोनों साइड के, इस तरह से, ठीक है, ऐसे आर दे दिया हमने, ठीक है। ये जैसे आर देंगे, ये सेम आर हमको पी से देना है,
क्योंकि पी से हमको ड्रॉ करना है ना टेंजेंट, तो पी से हमने आर दे दिया, ठीक है। अब हम लोग ये जो आर है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे इस राउंडर से, ऐसे हमने मेजर कर लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब ये सेम, जैसे ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से हमको एक आर दे देना सेम, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मेरा नहीं हो रहा तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी जहां पे इंटरसेक्ट होगा इस आर्क को हम लोग क्या करेंगे, पी से ज्वाइन कर देंगे। तो इस आर्क को मैं पी से ज्वाइन कर देता हूँ, ये मेरा पॉइंट एक है और ये मेरा एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हम लोग का एक टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन थ्रू पॉइंट पी। पी से हम लोग ने जो टेंजेंट ड्रॉ किया विदाउट यूजिंग सेंटर, हमने सेंटर से कोई कनेक्शन नहीं रखा है, सेंटर से कोई भी रेडियस ड्रॉ नहीं किया, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉ अ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये जरूरी नहीं किसी एक ही पॉइंट, ये सेम टेंजेंट हम लोग दूसरे साइड से भी कर सकते हैं, और सेम आर जो यहाँ से दिया हमने सेम आर हम लोग यहाँ से भी देना है, तो यही सेम आर यहाँ से भी दे सकते हैं हम लोग। तो अगला जो हम लोग का होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये वाले में सिर्फ हम लोग इतना ही करेंगे, दूसरे वाले के लिए हम लोग यहाँ से भी एक पॉइंट लेंगे, यहाँ से भी एक आर्क देंगे सेम चीज, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को देखते हैं स्टूडेंट्स, हमको सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना बट पासिंग थ्रू टू पॉइंट, ठीक है। यानी एक पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ पी, दूसरा एक पॉइंट लेता हूँ क्यू, ठीक है। अब ये जो P और Q है दोनों पॉइंट्स के हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना विदाउट यूजिंग सेंटर, बिना सेंटर का यूज किए हुए। तो इसके पहले अभी हम लोग ने देखा कि एक पॉइंट से जैसे टेंजेंट ड्रॉ किया था विदाउट यूजिंग सेंटर, अब दो पॉइंट से ड्रॉ करना, ठीक है। तो कैसे, एक पॉइंट से किया था ट्राइंगल बनाया था, वैसे दोनों पॉइंट से यूज करके एक ट्राइंगल हम लोग बना, पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, ट्राइंगल के लिए हमारा ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का ये ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल बनने के बाद P और Q से हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे किया था हमने, इसके पहले राउंडर लिया, राउंडर से एक नॉर्मल सा एक आर्क इस वर्टेक्स पे रख के, वर्टेक्स पे हमने रखा इस तरह से, और इसको जो भी एक आर्क है सपोज की एक आर्क है, ये एक आर्क हमने दे दिया, ठीक है। इसके पहले हमने क्या किया था, सिर्फ पी से एक आर्क दिया था इस तरह से सेम आर्क, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, ये आर्क सेम आर्क क्यू से भी देना है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का क्यू, हमें ना इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ और बड़ा, ये हो गया यहाँ पर और ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना, जो इसके पहले वाले सब में भी हमने किया, इन दोनों का डिस्टेंस ये हो गया हमारा, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पे रखना है, इस वर्टेक्स पे रखना है और इस आर्क के ऊपर ही आर्क देना हमको, यहाँ पे रखा एक आर्क दे दिया यहाँ पे, सेम चीज इस आर्क पे भी करना है, यहाँ पे रखा और एक आर्क दे दिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को इससे ज्वाइन करना, इसको इससे ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको ज्वाइन करके क्या होता है, ठीक है। इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट्स को मैंने ले लिया, ये दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन करना है, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, जैसे यहाँ पर ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। पॉइंट हमारे है ये, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज यहाँ पे देखनी है कि जो हम लोग ने टेंजेंट ड्रॉ किया होगा वो किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेगा, ठीक है। दोनों टेंजेंट अगर नहीं मीट कर रहा दैट मींस यू आर रॉन्ग, तो हम लोग का ये पॉइंट है जहाँ पे हम लोग दे देंगे मुझे ना, ठीक है। अब हम लोग इसको मेजर करेंगे आर पी और आर क्यू, इनका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ आर पी, लेंथ ऑफ आर पी एंड लेंथ ऑफ आर क्यू, ये दोनों हम लोग का क्या होगा सेम, ठीक है। स्केल से हम लोग मेजर कर सकते हैं, रूलर से मेजर कर सकते हैं कि हम लोग का क्या आर पी और आर क्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को विदाउट यूजिंग सेंटर हम लोग को टेंजेंट ड्रॉ करना किसी एक पॉइंट से, जैसे इसके पहले बताया था, अब हम लोग को दो पॉइंट से, तो इस तरह से हम लोग को टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ड्रॉ करना था। ठीक
ठीक है, ऑन अ पॉइंट, एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट होगा तो दो मेथड है, विद यूजिंग सेंटर, विदाउट यूजिंग सेंटर। जो पहला सम किया था विद यूजिंग सेंटर था, दूसरा सम विदाउट यूजिंग सेंटर, एक पॉइंट से, और ये दो सम, दो पॉइंट यहां से दो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोगों को देखना है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल। तो पहले ये होता क्या है वो समझ लेते हैं। एक सर्कल सपोज हमारे पास है, ठीक है, ये सर्कल हम लोग का है। अब इस सर्कल के बाहर कहीं पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये जो बाहर हमने पॉइंट लिखा है, इससे हमको सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये होता कैसे पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो भी रहेगा बता दूंगा। पहले ये जो पॉइंट है, सपोज की ओ हमारा सेंटर है, पी हमारा एक पॉइंट है, इसको हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ओ और पी ये आने के बाद हमको क्या करना है, ओ और पी से मोर देन हाफ आर्क लेंगे एक यहाँ पर, और यहाँ से भी आर्क, यहाँ से कुछ इस तरह से ऐसे आएगा, इसको हम लोग क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। अब कुछ लोगों को क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये लाइन इसको टच नहीं किया, टच नहीं, इस लाइन से कुछ लेना देना नहीं है। ये लाइन सर्कल के अंदर हो सकती है, सर्कल के बाहर हो सकती है, सर्कल को टच करेगी, तीनों में से कोई भी कंडीशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज ये जो जहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट से, इस ओ का डिस्टेंस मेजर करेंगे और यहाँ से इस तरह से आर्क देंगे, इस तरह से, ठीक है। ये आर्क सर्कल को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को पी से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से और इस तरह से। ये जो भी होगा इसको हम लोग नाम दे देंगे ए और बी। तो यहाँ पे दो टेंजेंट हमारा ड्रॉ हो गया, पी ए और पी बी, और दोनों टेंजेंट का जो सेगमेंट का लेंथ होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। ये था हमारा रफ डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे। हाँ तो स्टूडेंट, ये जो हमने बताया, अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं किस तरह से। हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल को एक सेंटर है, सपोज कि सेंटर का नाम मैंने लिया ओ, ठीक है। हमको सपोज कि पी इज एनी पॉइंट एट सर्टेन डिस्टेंस, सपोज कि जो रेडियस है सर्कल का, एक रेडियस है, सपोज कि मैंने एक रेडियस बना दिया, यहाँ पे एक रेडियस बना दिया, ठीक है। रेडियस है, सपोज सर्कल का जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमको एक पॉइंट दिया है ओ से, इसका डिस्टेंस ओ से कुछ एक डिस्टेंस है, ठीक है। फिलहाल हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, ओ से कोई डिस्टेंस पे हम लोग का एक पॉइंट है, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पी, ठीक है। पी से सर्कल को हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है। अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ओ और पी ये दो पॉइंट कंसिडर करना, और इसको हमको आर देना, ओ से मोर देन हाफ आर देंगे, इस तरह से देखते हैं हम लोग। ये हमारा प्रोजेक्टर राउंडर यहाँ पे रखा, मोर देन हाफ, हाफ से ज़्यादा, ठीक है। आर यहाँ पे भी दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली ऊपर दे दो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ऊपर देता हूँ, जैसे वहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे भी दे सकते हैं, बट हम लोग डायरेक्टली ऊपर भी दे सकते हैं, तो मैं ऊपर दे देता हूँ, ठीक है। तो एक आर ऊपर, यही सेम आर नीचे, ठीक है। पहले ही मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और ये सेम हम लोग यहाँ से भी देंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ पे रखा हमने, और एक आर इस तरह से हमने दे दिया इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ये एक पॉइंट दिख रहा है हमको, ये एक पॉइंट दिख रहा है हमको, ठीक है। इन दोनों को पॉइंट बना और दोनों को हमने ज्वाइन किया, तो फिर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये जो लाइन हमारा है सर्कल के अंदर भी आ सकता है, सर्कल के बाहर भी, या सर्कल पर भी, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना हमको कि ये सर्कल के बाहर जा रहा है, टेंजेंट है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो लाइन है इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि दो पॉइंट को कंसिडर करके किया है लास्ट वाले में हमने देखा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के दोनों पार्ट इक्वल, ठीक है। अब पी से हमको टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है, तो ये जो पॉइंट है हमका, इसको मैं नाम दे सकता हूँ, कोई भी नाम दिया मैंने, सपोज एम। अब इस एम से हमको क्या करना है, ओ तक का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। सपोज ये मेरा एम यहाँ पे रखा मैंने हमारा राउंडर, और ये ओ तक का डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, और यहाँ से आर दे दिया ऊपर, ठीक है, और नीचे, ठीक है, ये इस तरह से,
समझ में आया। और ये जो आर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट को हम लोग पी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं ज्वाइन कर दूं पी से, ये है, ठीक है, और ये, ठीक है, इसको एक नाम दे देता हूं मैं ए, और इसको नाम देता हूं, अगर स्केल से मेजर करेंगे तो लेंथ ऑफ पी ए इक्वल टू लेंथ ऑफ पी बी। ठीक है, ये हम लोग का थ्योरम भी है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है पी ए और पी बी, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम सर्कल चैप्टर में। ठीक है, तो ये वाला सबको समझ में आ गया रहेगा। हाँ तो स्टूडेंट्स ये हो गया, अब ये जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया हुआ है 4.2 एक्सरसाइज हम लोगों का जो है उसके अंदर सारे सम्स है, सात क्वेश्चन है इस 4.2 एक्सरसाइज में, सेवन क्वेश्चन, तो सेवन के सेवन क्वेश्चन इनसे रिलेटेड है, तो सब लोग ये सेवन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको करेंगे। ठीक है।